पोहा और मुरमुरे का चिवड़ा बहुत ही माउथ वाटरिंग, जो कि आप दिवाली में ज़रूर से घर पर बनाएं। मैं निकिता आहूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पॉपुलर स्नैक रेसिपी पोहा मुरमुरा चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो पोहा ले लिया है। ये पतला पोहा है, आप भी यही लीजिए। चिवड़ा इससे काफ़ी अच्छी तरीके से बनता है। इसे पहले हम छान लेंगे ताकि कुछ कंकर वगैरह हो तो वो निकल जाए। अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई गर्म करने के लिए रख दी है। इसमें ऐड कर देंगे ये पोहा। पोहे को हमें ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि हमें ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। 3 से 4 मिनट तक आप इसे अच्छे से रोस्ट करें, क्योंकि कच्चा रहेगा अगर पोहा तो फिर वो आपको टेस्ट नहीं आएगा। सिमिलरली हमें मुरमुरे को भी ड्राई रोस्ट करना है, यानी कि इसे भी ऑयल के बगैर ही हमें सेक लेना है। 180 ग्राम्स मुरमुरा लिया है। जितनी क्वांटिटी आप पोहा ले रहे हैं उससे कम क्वांटिटी आपको मुरमुरा लेना है। आधा किलो पोहा तो 180 ग्राम्स मुरमुरा। ये दोनों चीज़ें ड्राई रोस्ट हो गई। अब हम बढ़ते हैं आगे की प्रोसीजर पर। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। इसमें 200 ग्राम मूंगफली डाल रही हूँ मैं। 200 ग्राम ही डाल रही हूँ क्योंकि आधा किलो पोहा लिया है। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें हमें भुन लेना है जब तक ये ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। बस अब इसे पेपर टॉवल पर हम निकाल देंगे, इस प्रकार एक्सेस ऑयल इसका निकल जाए। पोहे की क्वांटिटी जब इतनी ज़्यादा है तो बर्तन भी हमें बड़ा रिक्वायर्ड है। इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया है और राई के दाने, करी पत्ता, काजू और हरी मिर्ची भी ऐड करनी है। करी पत्ता 1 कप लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने करी पत्ते को काट लिया है। 8 से 10 काजू ले लिए हैं जिन्हें स्लिट कर दिया है, और हरी मिर्ची भी जिन्हें मैंने स्लिट कर दिया है 8 से 10 ली हैं। और इसमें हींग भी ऐड कर दें, जो मैं आपको दिखाना भूल गई। 2 से 3 मिनट तक इसे चलाने के बाद इसमें कोपरा ऐड कर देंगे, यानी कि ड्राई कोकोनट। 125 ग्राम्स मैंने यहाँ पे लिया है। आप क्वांटिटी इसकी बिल्कुल बढ़ा सकते हैं क्योंकि टेस्ट इसकी काफ़ी अच्छी आती है और ये गुड फैट में इंक्लूड होता है। चलिए अब इसे अच्छे से आप 2 से 3 मिनट तक वापस कुक करें, और इसमें ऐड कर दें नमक और काला नमक अपने स्वाद अनुसार। फिर इन्हें मीडियम आँच पर कुक करें। नेक्स्ट इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे और लाल मिर्च पाउडर। हमने हरी मिर्चें भी ऐड की है तो टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा करें। अब इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर दें ताकि थोड़ी सी खटास भी बनी रहे। बस हमें इन्हें कुक करना है अगले 2 मिनट तक अच्छी तरीके से, और फिर पीनट्स ऐड कर दें। पीनट्स क्यों निकाले थे, ज़्यादा देर कुक करेंगे तो काले पड़ जाएंगे और चिवड़ा अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें जो रोस्टेड हमने पोहे और मुरमुरे रखे थे ना, बस उन्हें भी ऐड कर देना है। जेंटली आप इन्हें कुक करें ताकि ये टूटे ना। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला देना है हल्के हाथों से, ताकि सारा मसाला मुरमुरा और पोहा से कोट हो जाए। ध्यान रहे जब मुरमुरा ऐड करते हैं वो टाइम पर आप फ्लेम लो कर देंगे। साउंड पोल्यूशन इतना बड़ा मसला है, मैं क्या बताऊँ आपको, रिकॉर्डिंग में इतनी दिक्कत होती है। चलिए कोई नहीं, अब लगभग चिवड़ा बनकर रेडी हो चुका है। मैं फ्लेम कर दूंगी ऑफ। आप देख रहे हैं चिवड़ा का कलर कितना ही लजीज लग रहा है। आप ज़रूर से घर पर बनाएं, और बिलीव मी आपकी इतनी तारीफ़ें होंगी, दिवाली में तो ज़रूर से बनाकर ये मेहमानों को खिलाएं। वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे लाइक करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी बिल्कुल करें सारे ही दोस्तों के साथ आप अपने। So this is Nikita Ahuja signing off. Until next time, happy Diwali, bye bye, take care, God bless you all.